नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हॉट मिल्क वर्सेस कोल्ड मिल्क। ठंडा दूध दिन के समय या फिर गर्मी में पीना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि यह बॉडी को ठंडक पहुंचाता है। वहीं सर्दी के दौरान या फिर रात में गर्म दूध पीना चाहिए, ताकि शरीर गर्म रहे। मौसम और समय के हिसाब से ना पिए, दूध फायदा कम नुकसान ज़्यादा करता है। गर्म दूध चाह पचने में आसान होता है, साथ ही डायरिया गैस जैसी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से भी बचाता है। गर्म दूध में पाए जाने वाला ट्राइपोलोफन और मेटोटोनिन अमीनो एसिड गर्म करने के कारण एक्टिव हो जाता है, जिस कारण वार्म मिल्क पीने से नींद अच्छी आती है। दूसरी ओर ठंडा दूध में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है, जिस कारण ये पेट में जलन एसिडिटी में आराम देता है। इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होने की वजह से यह बॉडी को हाइड्रेट रखता है। बस इसे रात में पीने से बचना चाहिए, वरना कफ कोल्ड जैसी दिक्कतें हो जाती है। अगर आप सिर्फ ये सोचकर दूध नहीं पीते कि आपको अपने वेट को कंट्रोल रखना है और मिल्क आपको मोटा बना सकता है, तो आप पूरी तरह गलत है। दूध में पाया जाने वाला कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिससे कि बॉडी तेजी से कैलोरी बर्न करती है। इसके साथ ही कोल्ड मिल्क पेट को काफ़ी लंबे टाइम तक भरा रखता है, जिससे भूख नहीं लगती और आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाने से बच जाते हैं।